श्री परमात्मने नमः। जनक याग्वल्लक संवाद आगे। उसकी वे ही हिता नाम की नाड़ियाँ जो सहस्त्र भागों में विभक्त केस के सदृश सूक्ष्मता से रहती हैं, शुक्ल नील पित हरित और लाल रंग के रस से पूर्ण है, सो जहाँ इस पुरुष को मानो शत्रु मारते, मानो अपने वश में करते, और जहाँ मानो इसे हाथी खदेड़ता है, अथवा जहाँ यह मानो गड्ढे में गिरता है, इस प्रकार जो कुछ भी जागृत अवस्था के भय देखता है, उसी को इस स्वप्न अवस्था में अविद्या से मानता जानता है, और जहाँ यह देवता के समान, राजा के समान, अथवा मैं ही यह सब हूँ ऐसा मानता है, वह इसका परम धाम है, वह इसका काम रहित, पाप रहित और अभय रूप है। व्यवहार में जिस प्रकार अपनी प्रिया भार्या को आलिंगन करने वाले पुरुष को ना कुछ बाहर का ज्ञान रहता है और ना भीतर का, इसी प्रकार यह पुरुष प्रज्ञात्मा से आलंगित होने पर ना कुछ बाहर का विषय जानता है और ना भीतर का। यह इसका आपात काम अकाम और शोक शून्य रूप है। इस सुषुप्त अवस्था में पिता अपिता हो जाता है, माता अमाता हो जाती है, लोक अलोक हो जाते हैं, देव अदेव हो जाते हैं और वेद अवेद हो जाते हैं। यहाँ चोर अचोर हो जाता है, भ्रूण हत्या करने वाला अभ्रूण हा हो जाता है, तथा चांडाल अचांडाल, पोलक्स अपोलक्स, श्रमण अश्रमण और तापस अतापस हो जाते हैं। उस समय यह पुरुष पुण्य से असंबद्ध तथा पाप से भी असंबद्ध होता है और हृदय के संपूर्ण शोकों को पार कर जाता है। वह जो नहीं देखता सो देखता हुआ ही नहीं देखता, दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है। उस समय उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं जिसे देखे। वह जो नहीं सूंघता सो सूंघता हुआ ही नहीं सूंघता, सूंघने वाले की गंध ग्रहण शक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्था में उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं जिसे वह सूंघे। वह जो रसा स्वाद नहीं करता सो रसा स्वाद करता हुआ ही नहीं करता, रसा स्वाद करने वाले की रस ग्रहण शक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्था में उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं जिसका रस ग्रहण करे। वह जो नहीं बोलता सो बोलता हुआ ही नहीं बोलता, वक्ता की वचन शक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्था में उससे भिन्न दूसरा कुछ है ही नहीं जिसके विषय में वह बोले। वह जो नहीं सुनता सो सुनता हुआ ही नहीं सुनता, श्रोता की श्रवण शक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्था में उससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं जिसके विषय में वह सुने। वह जो मनन नहीं करता सो मनन करता हुआ ही मनन नहीं करता, मनन करने वाले की मनन शक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्था में उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं जिसके विषय में वह मनन करे। वह जो स्पर्श नहीं करता सो स्पर्श नहीं करता हुआ ही स्पर्श नहीं करता, स्पर्श करने वाले की स्पर्श शक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्था में उससे भिन्न कोई दूसरी पदार्थ है ही नहीं जिसे वह स्पर्श करे। वह जो नहीं जानता सो नहीं जानता हुआ ही नहीं जानता, विज्ञाता की विज्ञाति विज्ञान शक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्था में उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ ही नहीं होता,
जिसे वह विशेष रूप से जाने, जहाँ जागृति या स्वप्न अवस्था में आत्मा से भिन्न अन्न सा होता है, वहाँ अन्न अन्न को देख सकता है, अन्न अन्न को सूंघ सकता है, अन्न अन्न को चख सकता है, अन्न अन्न को बोल सकता है, अन्न अन्न को सुन सकता है, अन्न अन्न का मनन कर सकता है, अन्न अन्न का स्पर्श कर सकता है, अन्न अन्न को जान सकता है। परंतु जैसे जल में वैसे ही सुषुप्ति में एक अद्वैत दृष्टा है। हे सम्राट, यह ब्रह्म लोक है, ऐसा याज्ञवल्क्य ने जनक को उपदेश दिया। यह इस पुरुष की परम गति है, यह इसकी परम संपत्ति है, यह इसका परम लोक है, यह इसका परम आनंद है। इस आनंद की मात्रा के आश्रित ही अन्य प्राणी जीवन धारण करते हैं। वह जो मनुष्यों में जो सब अंगों से पूर्ण समृद्ध, दूसरों का अधिपति और मनुष्य संबंधी संपूर्ण भोग सामग्रियों द्वारा सबसे अधिक संपन्न होता है, वह मनुष्यों का परम आनंद है। अब जो मनुष्यों के सब आनंद हैं, वह पितृलोक को जीतने वाले पितृगण का एक आनंद है, और जो पितृलोक को जीतने वाले पितरों के सब आनंद हैं, वह गंधर्व लोक का एक आनंद है, तथा जो गंधर्व लोकों के सब आनंद हैं, वह कर्म देवों का, जो कि कर्म के द्वारा देवत्व को प्राप्त होते हैं, एक आनंद है। जो कर्म देवों के सब आनंद हैं, वह आजान जन्म सिद्ध देवों का एक आनंद है, और जो निष्पाप निष्काम श्रोत्रिय हैं, उसका भी वह आनंद है। जो आजान देवों के सब आनंद हैं, वह प्रजापति लोक का एक आनंद है, और जो निष्पाप निष्काम श्रोत्रिय है, उसका भी वह आनंद है। जो प्रजापति लोक के सब आनंद हैं, वह ब्रह्म लोक का एक आनंद है, और जो निष्पाप निष्काम श्रोत्रिय है, उसका भी वह आनंद है, तथा यही परम आनंद है। हे सम्राट, यह ब्रह्म लोक है, ऐसा याज्ञवल्क ने कहा। जनक बोले, मैं श्रीमान को सहस्त्र गवें देता हूँ, अब आगे भी आप मोक्ष के लिए ही उपदेश करें। यह सुनकर याज्ञवल्क जी डर गए कि इस बुद्धिमान राजा ने तो मुझे संपूर्ण प्रश्नों के निर्णय पर्यंत उत्तर देने को बांध लिया। वह यह पुरुष इस स्वप्न प्रांतों में रमण और विहार करके तथा पुण्य और पाप को देखकर ही पुनः गए हुए मार्ग से ही यथा स्थान जागृत अवस्था को ही लौट आता है। लोक में जिस प्रकार बहुत अधिक बोझ लादा हुआ छकड़ा शब्द करता हुआ चलता है, उसी प्रकार यह देही आत्मा प्रज्ञात्मा से अधिष्ठित हो मरण काल में शब्द करता हुआ जाता है। वह यह देह जिस समय कृशता को प्राप्त होता है, वृद्धा अवस्था अथवा ज्वरा आदि रोग के कारण क्रश हो जाता है, उस समय जैसे आम, गूलर अथवा पीपल फल बंधन डंठल से छूट जाता है, वैसे ही यह पुरुष इन अंगों से छूटकर फिर जिस मार्ग से आया था, उसी से प्रत्येक योनि में प्राण की विशेष अभिव्यक्ति के लिए ही चला जाता है। अतः जिस प्रकार आते हुए राजा की उग्र कर्मा एवं पाप कर्म में नियुक्ति सूत और गांव के नेता लोग अन्न पान और निवास स्थान तैयार रखकर ये आए इस प्रकार कहते हुए प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार इस कर्म फल वेता की संपूर्ण भूत यह ब्रह्म आता है इस प्रकार कहते हुए प्रतीक्षा करते हैं। जिस प्रकार जाने के लिए तैयार हुए राजा के अभिमुख होकर उग्र कर्मा और पाप कर्मा नियुक्त सूत एवं गांव के नेता लोग जाते हैं, उसी प्रकार जब यह ऊपर के श्वास लेने लगता है, तो अंतकाल में सारे प्राण इस आत्मा के अभिमुख होकर इसके साथ जाते हैं।
ओम शांति शांति शांति।